पोहरी में आज महाविद्यालय प्रांगण में विशाल अन्नकूट का भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सर्वप्रथम राजमाता साहब के चित्र पर माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रहलाद भारती, जिलाध्यक्ष राजू बाथम सहित भाजपा कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। यह आयोजन भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल की ओर से किया गया। मंच को संबोधित करते हुए पोहरी एवं बेरार वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए बोली, पोहरी एवं बेरार के पूरे इलाके ने राजमाता साहब को नमन किया है, सम्मान दिया है। मैं उनकी बेटी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर कई बार इस क्षेत्र में आई हूँ। भंडारे में पोहरी विधानसभा क्षेत्र के 35,000 लोगों की बैठक कर अन्नकूट खाने की व्यवस्था की गई है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं उनको और उनके सब साथियों को शुभकामनाएं देती हूं, पर आप सफल हो। दिवाली का पर्व अभी भी चल रहा है और इस पर्व में शुभकामनाएं देना जरूरी है। आज मुख्यमंत्री की 3:45 बजे लाडली लक्ष्मी की फिर से योजना शुरू होने वाली थी। शिवपुरी में मुझे जाना था वापस, इसीलिए मैं आज 2 पंक्तियों के साथ फिर से आपको शुभकामनाएं देती हूँ इस मंच से। पोहरी ने और बैराड़ ने, ये पूरे इलाके ने हमेशा राजमाता साहब को नमन किया है, सम्मान दिया है, और आज उनकी बेटी सिर्फ नहीं हूँ पर एक पुरानी भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ साथ मैं कंधे से कंधे मिलाकर कई बार इस क्षेत्र में आई हूँ। आप सबके साथ थोड़ा सा रूबरू होने के लिए मैं महिलाओं को देखती हूँ आज, और मुझे मेरी माँ की याद आती है। मैं आप सब महिलाओं